9 अप्रैल को शाम 5:15 बजे इंदौर के अभय प्रशाल स्टेडियम में सजेगा श्री श्याम कृपा महोत्सव। ज्योत जलेगी, इत्र बरसेगा, उड़ेगा रंग गुलाल, होगी फूलों की वर्षा, देखने लायक होगा मेरे श्याम का भव्य श्रृंगार। आप सभी धर्म प्रेमी जनता परिवार सादर आमंत्रित है। विनम्र भाव से बुला रहे हैं, दिन है रविवार, करने वाला श्री श्याम, कराने वाला श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन। कनाडिया क्षेत्र में एक एनजीओ संचालक के 7 करोड़ रुपए डोनेशन देने के नाम पर बदमाशों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। थाना क्षेत्र में रहने वाले सुधीर तिवारी नाम के व्यक्ति करुणामय हेल्प एंड हेल्थ के नाम से एनजीओ का संचालन करते हैं। उन्हें दिलीप पूजा और हरप्रीत सिंह ने फोन कर बताया कि दिल्ली की एक पार्टी एनजीओ के लिए 23 करोड़ रुपए देना चाहती है, इसके लिए मीटिंग तय हुई। तब 23 करोड़ डोनेशन देने वाली पार्टी ने बताया कि वो टैक्स बचाने के लिए 23 का डोनेशन दे रहे हैं, इसमें से 16 करोड़ वापस देने होंगे जबकि 7 करोड़ आप खर्च कर सकते हैं। तब इसके एवज में एनजीओ संचालक से 15 लाख रुपए जमा करवाने को कहा गया, जो सुधीर ने 6 लाख रुपए जमा किए और 9 लाख के लिए लगातार फोन आने लगे। तब सुधीर को संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत कनाडिया थाने पर दर्ज करवाई है, जहां से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर फरार अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ये सुधीर तिवारी जी हैं जो हेल्प करुणामय हेल्प एंड हैंड नाम से एक एनजीओ संचालित करते हैं। ये एनजीओ के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनके इलाज के लिए जो सक्षम नहीं है उनकी फ्री जाँचें करवाने के शिविर आयोजित करते हैं, साथ में फ्री इलाज की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। इनके एनजीओ को ये विभिन्न माध्यम से डोनेशन प्राप्त करने के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली से जो है हरप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा और एक इंदौर के जो है दिलीप पूजा हैं, इनके द्वारा इनको बताया गया है कि उनकी एक पार्टी है वो करीब 23 करोड़ रुपए का इस एनजीओ के नाम पर डोनेशन जो है वो देने के लिए तैयार है। उस पार्टी को समस्त दस्तावेजों के साथ जो है होटल बाव में मिलना है और वहाँ बैठकर जो है बातचीत करते हैं। ये सुधीर तिवारी जो है उन दोनों की बातों में आ गए और उसके बाद ये डोनेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है उस मोनिका नाम की एक जो है उनसे मिले और उसके बाद उन लोगों ने 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर इनसे जो है देने को कहा कि ये आप देंगे तो हम डील करेंगे, और साथ में डील में ये कहा कि 23 करोड़ रुपए का हम जो डोनेशन देंगे टैक्स बचाने के लिए, उस डोनेशन में से 16 करोड़ रुपए आप हमें वापस कर देना, बाकी 8 करोड़ रुपए का आप इस्तेमाल जो है अपने फाउंडेशन को एनजीओ को संचालित करने के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो इनके द्वारा 6 लाख रुपए एडवांस उनको आज दे दिए गए, उसके पश्चात 9 लाख रुपए जो है बाद में देने की बात हुई। शाम तक जब इनके द्वारा 9 लाख रुपए नहीं दिए गए तो उनके द्वारा फिर डॉक्टर सुधीर तिवारी जो है फरियादी है, इनको कहा गया कि 9 लाख रुपए की और व्यवस्था करके दीजिए नहीं तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे, और उनको और भी धमकियाँ दी गई। फिर तब उस स्थिति में उन्होंने पुलिस को जो है एक लेखी आवेदन पत्र दिया और उस लेखी आवेदन पत्र से आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 420 406 34 भारतीय दंड विधान के वैध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, ये किस नाम से एनजीओ चलाते थे और ये जो फरियादी हैं ये करुणामय हेल्पिंग हैंड नाम से एक एनजीओ चलाते हैं, इनका कालिंदी मिड टाउन में जो है निवास स्थान है, और आरोपी गणों में एक आरोपी जो है सीपरी के रहने वाले हैं जो इंदौर में रहता है दिलीप ओझा, और बाकी 2 आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। दो आरोपियों को जो है पुलिस अभिरक्षा में भी लिया गया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल